शांत बैठो, शांत बैठो। क्या लगा के रखा है? ये बच्चे हाथ में क्या है दिखा? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? कुछ नहीं, वैसलीन और टिश्यू पेपर है ना, हराम खोर। क्या है मुंशी जी? जी सर। यहाँ से सारे टिश्यू और वैसलीन वाले लड़के बाहर निकालो। और लड़कियाँ? चप्पल कहा है मेरी? शराब, वो सैनिटाइजर क्या शोपीस के लिए रखा है? जाओ सब हाथ धो के अंदर आओ। सर आपको क्या चिंता है? क्यों, गूगल इंसान नहीं है? जाओ हाथ धो के आओ। नॉनसेंस, ये क्वारंटाइन में सब वेले बैठे और हम सरकारी कर्मचारियों का काम बढ़ गए। हाँ नेक्स्ट। गूगल? यस। google.com? मैं ही हूँ गूगल। देख अगर तू इंटरनेट चेक करने के लिए मेरे पास आया है ना, माँ कसम तेरा केला छिलके उसके ऊपर नमक मिर्च डाल दूंगा। नहीं नहीं सॉरी। वो याहू के पास जाना इंटरनेट चेक करने, वैसे भी कोई काम धंधा बचा नहीं है उसके पास, दिन भर मक्खियां मारता रहता है। जी सर। नेक्स्ट। सर पॉटी करते समय आंखें बंद क्यों होती है? क्योंकि जब आंखें बंद होती है तब वो नीचे जाके अटकी हुई टट्टी को पीछे से धक्का मारती है। क्या? हाँ, कुछ महावैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि दिन में 8 ग्लास पानी पीने से ये बीमारी शायद ठीक हो सकती है। नेक्स्ट। सर फेसबुक? नेक्स्ट। सर अल्कोहल सैनिटाइजर से कोरोना मर सकता है? हाँ मर सकता है। फिर दारू पीने से शरीर के अंदर का कोरोना मर सकता है? मुझे नहीं पता। सर गोमूत्र पीने से कोरोना मर सकता है? नहीं जानता। क्या हिलाने से कोरोना निकल जाएगा? नहीं पता। सर गोबर में नहाने से? मुझे नहीं पता। सर मेरी नाभि में खुजली हो रही है। तो खुजा भोसड़ी के, मैं क्या तेरा हाथ पकड़ के बैठा हूँ? हर कोई मेरे पास आता है, किसी की नाक बह रही है, किसी को टट्टी नहीं हो रही है, किसी की पुरानी टट्टी का स्मेल नए वाले टट्टी से मैच नहीं कर रहा है। साले की गांड है या टिंडर, जो पुरानी वाली टट्टी नए वाले से मैच होनी चाहिए। चलो इन लोगों को तो मैं झेल सकता था, ये कोरोना वालों ने तो अलग बकचोदी चालू की है। कोई पूछता है दारू पीने से कोरोना जाएगा, कोई पूछता है गांजा फूकने से कोरोना जाएगा। मेरे पास अभी तक एक भी इंसान नहीं आया जिसने पूछा हो सर जूस पीने से, दूध पीने से या काढ़ा पीने से कोरोना जाएगा। नहीं, कोरोना के नाम पे दारू पीने का बहाना जो चाहिए बेवड़ों को। किधर गया वो गोबर वाला? अरे वो कोरोना वायरस है, कोई चेहरे का पिंपल नहीं जो गोबर लगा के निकल जाएगा। कंधे पे बिठा है, कान में मुतने लगे भोपाड़ी के। एक तो टट्टी भी करके गया अंदर। एक बात कान खोल के सुनो। कान बोला मैं, कान। मेरा काम है लोगों को वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जो लोगों ने ही मुझे दी है, और मैं वही करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, इलाज नहीं। मैं एक सरकारी नौकर हूँ, मुझे डॉक्टर मत बनाओ और खुद भी डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो। अगर किसी को सर्दी है, खांसी है या बुखार है तो तुरंत डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करो, मेरे पास आके कुछ नहीं मिलेगा। मेरा काम है लोगों तक वायरस के बारे में सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे मिलेगी। मैं एक सर्च इंजिन हूँ। अरे पूछना है तो थोड़े ढंग के टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट। सर डाउनलोड एंटीवायरस फॉर विंडोज 10? नहीं। डाउनलोड एंटीवायरस फॉर विंडोज 7? नहीं। मैकबुक? नहीं। मोबाइल? नहीं। डाउनलोड एंटीवायरस फॉर कोरोना वायरस। अच्छा कोरोना? क्या? हाँ, और फ्री क्रैक वाला वर्जन देना। आ तेरी खोपड़ी क्रैक करता हूँ मैं अभी। हे गाइस कैसे हो? प्लीज गूगल ने बताई हुई हर चीज पे भरोसा मत रखो। अगर आपको बुखार है, सर्दी है या फिर खांसी है तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करो। प्लीज अपने हाथ टाइम टू टाइम धोया करो, और हमें कुछ दिनों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बिना कारण के घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद कोरोना का प्रभाव थोड़ा थोड़ा करके पूरी तरह खत्म हो जाएगा। बाकी मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको, और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर करो। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।